पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय कैंपस में जो हमारी अमृत कुंभ योजना है उसका लॉटरी संपन्न हुआ। कुल 175 लॉटों के सापेक्ष 450 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें हम लोगों ने सभी आवेदन पत्रों की जांच करते हुए जो अर्ह आवेदक थे उनकी लिस्ट भी पब्लिश की थी। कुछ लोगों के आवेदन में त्रुटियां थी उसको ठीक करने का मौका भी दिया गया था। उसके उपरांत जिनके ठीक होकर के आवेदन प्राप्त हो गए थे उन सबको कंसिडर करते हुए आज यहाँ पर लॉटरी का समापन किया गया है। 175 भूखंडों के सापेक्ष आज 145 भूखंड आवंटित हो गए। 30 भूखंड ऐसे जो किसी न किसी आरक्षण की कैटेगरी में पर्याप्त मात्रा में एप्लीकेशन ना आने के कारण वो अलॉट नहीं हो सके, ऐसे हमारे 30 बच गए हैं। इनको शीघ्र ही नेक्स्ट राउंड की लॉटरी निकाल करके दोबारा से आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा। इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं, इसमें अनुसूचित जाति के 9 ये 60 वर्ग मीटर के साइज के भूखंड हैं, अनुसूचित जनजाति के 2, कुल मिलाकर के 11 भूखंड 60 वर्ग मीटर के भी खाली हैं और 40 वर्ग मीटर के कुल 19 भूखंड खाली हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के 12, अनुसूचित जनजाति का 1 और सामान्य श्रेणी के 4 भूखंड। तो कुल मिलाकर के इन 30 भूखंडों की जो आवंटन प्रक्रिया है जिसको अगले राउंड में वो टेकअप करेंगे। आसिफ अब्बास नकवी मोहम्मद तकवी, प्लॉट नंबर 43, भूखंड संख्या 43, 43, 43। सीरियल नंबर 71, जुबेर अहमद खान शफीक अहमद, बधाई हो आपको, आप इधर आइए। जुबेर अहमद खान शफीक अहमद, भूखंड संख्या 58, 58, धन्यवाद, आप आए। ऐसा नहीं है कोई भी आ सकता है, अब जिनको भूखंड मिला है तो उनको थोड़ा सा। सीरियल नंबर 49, सुहेल खान जफरुल्ला खान, अरे बधाई हो, आप ही हैं भाई है। प्लॉट नंबर 65, 65, आप आ जाए भाई। हेलो, हाँ 65 कराओ, माशाल्लाह सीरियल नंबर 52, सुरभि अलरेजा, गौरव अलरेजा, भूखंड संख्या 102, 102। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।